नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से आपको 3 BHK फ्लैट दिखाने वाला हूं बिरला इवन के अंदर। बिरला इवन एक ऐसी कॉलोनी है जो 3 लेयर सिक्योर है, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है। अगर बात करूँ वहाँ के आसपास की इन्वायरमेंट की, दोस्तों बिरला इवन के अंदर आपको मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट और जेंट्री काफ़ी अच्छी होती है। अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बाहर निकलती आपको शेयरिंग ऑटो ई रिक्शा मिल जाते हैं जो आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर देते हैं, और मेट्रो अप्रॉक्स 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों आज जो फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ 205 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट, तो 100 गज का 3 BHK अप्रॉक्स मान के चलिए। फ्लैट का साइज़ काफ़ी अच्छा है और बिरला इवन के अंदर लिमिटेड ही प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा पाए। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको प्रॉपर्टी पर लेकर चलता हूँ, देखते हैं किस तरह का वो फ्लैट। दोस्तों बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हुए, सबसे पहले मैं इसका एलिवेशन आपको दिखाई, आप देख सकते हैं कि एलिवेशन पर अभी काम चल रहा है, पैड वर्क हो चुका है, अब इसमें पेंट वर्क चल रहा है, ब्लैक कलर का इन्होंने पेंट किया हुआ है, ब्लैक एंड लाइट कलर का, और रेलिंग आपको ग्लास की मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो दी हुई है ग्लास की वुड में, तो एलिवेशन अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड सोबर। अब चलते हैं पार्किंग के अंदर, देखते हैं किस तरह की पार्किंग आपको मिलेगी। दोस्तों पार्किंग के अंदर बहुत बड़े इन्होंने एंट्रेंस दिए हुए, गेट बड़े दिए हुए हैं जिससे गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकें। फ्लोरिंग ग्रेनाइट की लगा रहे हैं, रफ एंड टफ फ्लोरिंग लगा रहे हैं। अंडरग्राउंड आपको वाटर टैंक मिल रहा है 25,000 लीटर का, ओवरहेड आपको 1,000 लीटर का टैंक मिल रहा है, तो पानी की स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। पूरी पार्किंग मिल रही है आपको, पार्किंग के अंदर कुछ नहीं बनेगा, तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बहुत इशू होता है लोगों का कि पार्किंग प्रॉपर सफिशेंट है या नहीं है। अब मैं इसकी आपको स्टेयर्स दिखा देता हूँ, लिफ्ट स्पेस दिखा देता हूँ। दोस्तों स्टेयर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्स 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, और राइजर इसका 6 इंची का दिया हुआ है, और स्टेप की बात करूँ तो अप्रॉक्स 11 इंची का स्टेप मिल रहा है आपको। सेम ग्रेनाइट लगाया हुआ है फ्लोरिंग पर, आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपकी लिफ्ट है, एक राइट हैंड साइड में फ्लैट पड़ता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, और लिफ्ट 5 पैसेंजर आपको मिलेगी ब्रांडेड। अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, फ्लैट अभी तैयार नहीं है बट एक ही फ्लैट बचा हुआ है, इसलिए मैं इस फ्लैट की वीडियो बना रहा हूँ। अब फ्लैट में क्या क्या चीज़ लग चुकी है, क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी, वो सारा चीज़ आपको ब्रीफ में बताऊंगा। आपकी क्वेरी भी आती है कि सर सैंपल फ्लैट हमें बिल्कुल तैयार दिखाइए, बट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ आपको लगकर मिलेंगी, जो पूरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों डोर की बात करूँ तो सारे लेमिनेटेड डोर आपको मिलेंगे, डोर तैयार हो रहे हैं, इस पर ग्रूफ दिया हुआ है, बहुत सारे लेमिनेट लगा के फ्लश डोर आपको मिल रहा है, काफ़ी हैवी। एंट्रेंस आपको 3.5 फीट बाई 8 फीट की मिल रही है, डोर फ्रेम भी काफ़ी हैवी लगाया हुआ है 9 इंची का। दोस्तों फ्लोरिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें 2x4 की डिजिटल टाइल मिल रही है वेट्रीफाइड। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स आपको 18 फीट बाई 11 फीट का ये लिविंग एरिया मिल रहा है, लिविंग स्पेस मिल रहा है। इसमें सिटिंग आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ आप सोफा सीटर लगा सकते हैं 5 to 7 सीटर, और सामने वाली वॉल आपको टीवी यूनिट की मिल रही है जहाँ आप टीवी यूनिट हैंग कर सकते हैं, तो प्रॉपर एक वॉल मिल रही है, इसको चाहते हैं तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं और वुड पैनलिंग या टीवी यूनिट भी बना सकते हैं। फॉल सीलिंग सेम आपको मिलेगी जो आप देख सकते हैं ऊपर, बीच में डाउन सीलिंग दी हुई है, चारों तरफ वर्टिकल कोव के साथ बॉर्डर दिए हुए हैं, 5 इंची लाइट लगाई हुई है, लाइट का पूरा ध्यान रखा गया है, काफ़ी अच्छे आपको मॉडुलर स्विच मिल रहे हैं, L&T। दोस्तों ये ओपन किचन स्पेस आपको मिल रहा है, जो साइज मैंने बताया था लिविंग एरिया का वो इसको हटा के बताया था, ये अलग ओपन किचन मिल रही है। इसमें मॉडुलर किचन आपको मिलेगी विद इनोटेक बास्केट्स के साथ, जो सॉफ्ट क्लोजर होगी, जितने भी हिंजेज होंगे वो सारे सॉफ्ट क्लोजर होंगे, तो फिटिंग सारी आपको हाइड्रोलिक सॉफ्ट क्लोजर मिलने वाली है। आप चाहते हैं तो यहाँ अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। अगर इस स्पेस की बात करूँ तो मैं 10 फीट बाई अप्रॉक्स 12 फीट का ये स्पेस आपको मिल रहा है। अब दिखा देता हूँ इसका मैं आपको फर्स्ट बेडरूम। दोस्तों जैसे हम लिविंग एरिया से बेडरूम की तरफ आते हैं, बैक साइड की तरफ छोटा सा कॉरिडोर बनता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में आपका फ्रंट में पड़ता है बेडरूम, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की बात करें, 10 फीट बाई 12 फीट का मिला, सेम फ्लोरिंग के साथ वॉल पे काफ़ी स्मूथ वॉल आपको मिलेगी। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस करके दे रहे हैं, अब बेस बना चुके हैं, इस पर पेंट वर्क चल रहा है, तो आप स्मूथ वॉल आपको मिलेगी। फॉल सीलिंग आपको सेम मिलेगी, आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग के साथ, इसके अंदर वर्टिकल कोप के साथ बॉर्डर दिया हुआ है, इधर एक विंडो दी हुई है जिसमें आप प्रॉपर आपको वेंटिलेशन रहे बेडरूम के अंदर। ये ओपन टू स्काई, ये नीचे भी ओपन है और आपका छत पर भी ओपन है। और ये वाली बेड की पोजीशन है, आपके सारे बेड के पॉइंट दिए हुए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड वाले। अब मैं इसका सेकंड बेडरूम आपको दिखा देता हूँ।
दोस्तों इस बेडरूम का साइज भी 12 फीट बाई 10 फीट दिया हुआ है। इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया हुआ है, मतलब वुडन टाइल लगाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया हुआ है। सेम आपको अच्छी स्मूथ वॉल मिलेंगी, फॉल सीलिंग का वर्क भी करके दे रहे हैं, लाइट लगा के दे रहे हैं। इधर एक विंडो दी हुई है ओपन टू स्काई, इसमें आप विंडो एसी लगा सकते हैं। पहले वाले बेडरूम के अंदर भी विंडो एसी का प्रोविजन दिया हुआ है, इसके अंदर भी विंडो का दिया हुआ है, दोनों में आप विंडो एसी इसलिए लगा सकते हैं। ये आपकी बेड की पोजीशन है, इसके साइड में आपके साइड टेबल के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। इस वाली वॉल को आप टीवी हैंग कर सकते हैं अपना, तो प्रॉपर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें स्विचेस सॉकेट दिए हुए हैं। दोस्तों एक टॉयलेट आपको मिल रहा है इससे अटैच्ड, जैसे एंटर करते हैं सामने आपको वैनिटी मिलेगी विद काउंटर टॉप वॉश बेसिन, इसमें बेसिन आएगा और इसमें मिक्सर आपको मिलेगा जिससे ठंडा गर्म पानी, इसमें फ्लोर माउंटेड सीट आपको मिलेगी। जितनी फिटिंग का यूज़ कर रहे हैं, सेरा या हैंडवेयर का यूज़ कर रहे हैं, सारा ब्रांड मिल रहा है। ये बेथिंग एरिया आपको मिल रहा है जिसके अंदर डायवर्टर कंसील्ड और एक स्पाउट आपको मिल रहा है। इधर विंडो है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं। टॉयलेट के अंदर ही फॉल सीलिंग कवर किया हुआ है और आप टॉयलेट के अंदर ही फैन आपको मिलेंगे। अब मैं इसका थर्ड बेडरूम जो फ्रंट साइड में पड़ता है वो दिखा देता हूँ। उससे पहले हम इसका कॉमन टॉयलेट देख लेते हैं। दोस्तों 4 फीट बाई 10 फीट का कॉमन टॉयलेट, बहुत बड़ा टॉयलेट दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा स्पेसियस साइज इसका। देख सकते हैं इधर आपको बेथिंग एरिया सेपरेट मिल रहा है, वॉल पे काफ़ी अच्छी विंटेज टाइल लगाई हुई है, ग्लॉस नहीं मैट फिनिश में टाइल लगाई तो अच्छा लग रहा है। नीचे एंटी स्किड टाइल लगाई हुई है, इसके अंदर बीच में आपको वॉल हैंग शीट मिलने वाली है, फिटिंग सारी सेरा की। इधर आपको बड़ी वैनिटी विद काउंटर टॉप वॉश बेसिन, इधर लुकिंग मिरर मिलेगा, ऊपर आप देख सकते हैं आपको लाइट मिली है, फैन का प्रोविजन भी दिया हुआ है, और इधर आपका फ्रंट में विंडो दी हुई है जिसमें आपकी प्रॉपर लाइट सनलाइट आ रही है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट भी दिया हुआ है। तो टॉयलेट भी साइज काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी बड़ा फ्लैट है ये। दोस्तों अब इसके हम फ्रंट वाले बेडरूम आ चुके हैं जो इसका लास्ट बेडरूम है। इसके साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 10 फीट का साइज का भी दिया हुआ है, सारे बेडरूम 12 फीट बाई 10 फीट के दिए हुए हैं। इसमें फ्रंट में बड़ी विंडो दी हुई है, इसमें प्रॉपर लाइट आ रही है आप देख सकते हैं, फिर ग्लास दिया हुआ है, ओपनेबल दिया हुआ है, ऊपर विंडो एसी लगा सकते हैं, एक आपको डोर दिया हुआ है जिससे बालकनी में जा सकते हैं। उससे पहले इसके अंदर फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है। इस तीन बेडरूम के अंदर दो आपको वार्डरोब मिलेंगे, एक वार्डरोब इसमें आप किसी एक और बेडरूम के अंदर वार्डरोब ले सकते हैं। सेम फ्लोरिंग के साथ मिल रहा है आपको, डिजिटल टाइल 2x4 की, 4 फीट बाई आपको 8 फीट की वार्डरोब मिल रही है और सीलिंग वर्क भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। दोस्तों अब मैं इसकी बालकनी आपको दिखा देता हूँ। बालकनी के साइज़ की बात करूँ 14 फीट बाई 5 फीट की मिल रही है, इसमें टाइल कवर किया हुआ है, फ्लोरिंग में रेलिंग आप देख सकते हैं ग्लास की रेलिंग, फ्रेम जो बनाया हुआ है MS का बनाया हुआ है। इसमें आपको वॉशिंग एरिया का पॉइंट मिला हुआ है, इधर वॉशिंग एरिया डेडिकेटेड बना सकते हैं, और नीचे भी अच्छी क्लैडिंग की गई है जिसमें सीपेज की प्रॉब्लम ना है। वॉल के ऊपर मैंने आपको बताया टेक्सचर पेंट आपको मिलेगा, स्टोन फिनिश एंड रस्टिक, तो काफ़ी अच्छा एलिवेशन बना कर दे रहे हैं आपको, वेदर प्रूफ पेंट करके दे रहे हैं, और बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। आज जो फ्लैट दिखाया है बिरला के अंदर है, ये फ्लैट बनाने का मकसद मेरा इतना था क्योंकि बिरला के अंदर हमारे पास लिमिटेड ही यूनिट है, चाहता हूँ कि जो भी फ्लैट हमारे पास है वहाँ तक पहुँचा पाए। अब मैं इसका एक बार रिकैप कर देता हूँ। बिल्डिंग के साइज़ की बात करूँ 205 गज की बिल्डिंग है, इसमें एक फ्लोर पर दो फ्लैट है, 100 गज का अप्रॉक्स एक फ्लैट मान के चलिए। साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि स्टेयर्स और लिफ्ट डिवाइड होगी दोनों फ्लैटों के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर एमिनिटीज आपको क्या क्या मिली। इसके अंदर आपको कार पार्किंग मिल रही है, CCTV कैमरे कॉमन एरिया के अंदर, ब्रांडेड लिफ्ट आपको मिल रही है, और ऊपर रूफ टॉप टेरिस मिल रहा है आपको 205 गज का। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के टाइटल की और प्राइस की। अगर प्राइस की बात करूँ तो 55 लाख जैसे इसका आस्किंग प्राइस है, रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, फाइनेंस में मिल जाएगा, तो मैं कहता हूँ एक बार विजिट करने आप जरूर आएँ। तो मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूँगा, जब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।